चलो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर कर रहे थे, तो हम लोग जितना भी बेसिक फिगर था उसको हम बनाना सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जितना ही बेसिक फिगर था वो हम लोग कवर कर चुके हैं, तो हम लोग मूव करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो कुछ एडवांस स्ट्रक्चर का हम मतलब फिर एडवांस कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ध्यान देना, जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हम बेसिकली बात करें जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी बॉन्डिंग का टाइप क्या होना चाहिए, तो बॉन्डिंग का टाइप आपका होना चाहिए कोवेलेंट, ठीक है। आपका बॉन्डिंग का टाइप होना चाहिए कैसा, कोवेलेंट, ठीक। तो हम जब कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप का बात करें, तो हम लोग अभी तक बात किए थे कि आपका जो फिगर बनता है उसमें एक सेंट्रल एटम होता है, उसमें एक सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हम एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि इसको सेंट्रल एटम के वाइज पढ़ते हैं, मतलब सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो मेनली क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम जो फिगर होता है ना, उसमें सेंट्रल एटम होता है या तो फॉस्फोरस होगा या तो सल्फर होगा। आपका 90% जो फिगर आप देखोगे ना, जिसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो 90% केसेस में आपका मेनली जो स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल एटम होता है एडवांस स्ट्रक्चर में, वो फॉस्फोरस होगा सेंट्रल एटम या तो होगा सल्फर, ठीक है। यानी आप सेंट्रल एटम जो पढ़ने वाले हैं, तो आपका जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हालोजन हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो 90% केसेस होगा ना, 90% केसेस में आपका इधर से क्वेश्चन आएगा, जब आपका सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो गया तो क्या होगा, सल्फर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फोरस वाला केसेस को अलग से पढ़ लेते हैं, तो हम लोग फॉस्फोरस वाला केसेस एंड सल्फर वाले केसेस को अलग से कवर कर लेंगे अच्छे से, और इसको भी कवर करेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, फॉस्फोरस से आता है, फिर सल्फर से आता है। तो सबसे पहले हम फॉस्फोरस का केसेस को देख लेते हैं, फिर सल्फर का केसेस को देखेंगे, और फिर लास्ट मूव करेंगे हैलोजन्स एंड बाकी अदर एटम्स, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जब आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, तो कैसे सोचना है आपको। तो कुछ रूल्स बताया हुआ है, ठीक है। अभी जो रूल्स है ना, ये किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये रूल्स हम लोगों का बनाया हुआ रूल्स है। इसमें क्या है, ये रूल्स है, ये लॉ नहीं है। तो इस रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन में भी हो सकता है, ठीक है। बट ये रूल्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या होगा, मेरा स्टडी सिंप्लीफाई, स्टडी आसान हो जाएगा। मतलब पहले अगर आपको सारा स्ट्रक्चर याद करना पड़ता, तो इस रूल को अगर आप याद अच्छे से देख लोगे, तो आपका 90% जो जो केसेस होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पांच छह फिगर जो होगा आपको याद करना पड़ेगा, बट आपका 90% जो सक्सेस होगा वो तो आप इजीली बना पाओगे इस रूल के बेसिस पे। तो आपको रूल्स को याद करने का मतलब होता है कि आपने स्टडी को इजी करना, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसा कभी लॉ नहीं होता, हर केमिस्ट्री का रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा। तो केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन से नहीं आता, ये ध्यान देना। मतलब केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन अपना जो 90% क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में एग्जाम में पूछेगा ना, वो एक्सेप्शंस एरिया से नहीं होते हैं। तो आपको एक्सेप्शन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पहले दिमाग लगाना है कि जो जनरलाइज करके हम सीख सकते हैं, और उसको लास्ट में फिर एक्सेप्शन को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो अपना काम है कि स्टडी को सिंप्लीफाई, इजी करके, सिंप्लीफाई करके स्टडी करके उसको याद कर लेना, ठीक। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं, अगर अपना सेंट्रल एटम अगर फॉस्फोरस होगा, तो क्या क्या हमको रूल्स दिमाग में सेट रखना है, कि जब भी सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होता है, तो या उसका जनरल कॉन्फिगरेशन ऐसा होता है 3s2 3p3, इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 3s में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और 3p में क्या है, आपका 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का, वही बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट करता है। तो अगर इस यानी ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, ये है फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट, ये है फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट का बात करते हैं बच्चा लोग, तो ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेड आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड दिख रहा हो सिस्टम में। तो अगर फॉस्फोरस अपने ग्राउंड स्टेट में होगा, तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, 3 बॉन्ड। और अगर यही इलेक्ट्रॉन एस का अगर जंप कर दें, हमको पता है कि फॉस्फोरस के पास वैकेंडी खाली होता है, वैकेंडी क्या होगा, खाली होगा। तो अगर वैकेंडी खाली होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवा दे, तो क्या होगा, तो 3s में इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर 3p3 और 3d1, यानी इसका क्या हो गया, तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में
आपके पास फॉस्फोरस में कितना अनफिल्टर दिख रहा है आपको? तो आपको दिख रहा होगा कितना, एक यहाँ पे ठीक है, इसके पास तीन पी में और एक डी में, तो ओवरऑल कितना अनपेड हो गया, पांच अनपेड हो गया टोटल। एस का इलेक्ट्रॉन जब जम कर दो डी में, तो डी में अनपेड हो गया, और एस का भी क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी अनपेड बच गया, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, इसको आप हटा दो, ये तो जम कर गया डी में ना, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो टोटल अनपेड कितना हो गया, पांच हो गया। तो पांच अनपेड का मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस, तो बनाएगा ये बनाएगा पांच बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा पांच बॉन्ड बनाएगा, यानी जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ग्राउंड से तीन बॉन्ड बनाता है, और फॉस एक्साइटेड स्टेट में कितना बनाता है, तो पांच बॉन्ड बनाता है, ठीक, इतना क्लियर रहेगा। तो वही चीज समझाया हुआ है कि जब भी सेंट्रोटॉम फॉस्फोरस होगा तो तीन बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस, कब, जब होगा फॉस्फोरस अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और पांच बॉन्ड कब बनाएगा, जब फॉस्फोरस होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि कौन सा मेजर केस होगा, फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बनाना चाहता है कि पांच बॉन्ड बनाना चाहता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी फॉस्फोरस रहेगा तो जनरली बनाना चाहता है पांच बॉन्ड, तो पांच बॉन्ड होगा मेजर केस, यानी आपसे पूछा जाएगा कि अगर फॉस्फोरस रहेगा फिगर में और आप डायलेमा में हो कि आपको तीन बॉन्ड बनाना है कि पांच बॉन्ड बनाना है, तो आपका डायलेमा मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप बनाओगे पहले पांच बॉन्ड, यानी पांच बॉन्ड मेजर केस होता है, यानी जब भी फॉस्फोरस होगा तो आपका दिमाग पांच बॉन्ड बनाने पर जाना चाहिए ना, ठीक है। तीन बॉन्ड क्या होता है, माइनर केस होता है, तो तीन बॉन्ड का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पीसीएल थ्री, पीएच थ्री, पीएच थ्री, ठीक है, पीसीएल थ्री, ठीक है, पीसीएल थ्री यानी पी पी में हैलोजन, तो पीसीएल, पी बी आर, पी आई, सारा में थ्री ले सकते हैं, पी एफ थ्री भी हो सकता है, इवन पी एच थ्री हो सकता है, तो ये सब में क्या होगा, तीन बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान, जब भी फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बनाएगा तो तीनों तीनों बॉन्ड सिंगल होगा, ऑल थ्री बॉन्ड्स आर सिंगल, जब भी फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बनाएगा तो सारे के सारे को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक। अब ध्यान देना, अगर अगर आपका फॉस्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, यार पांच बॉन्ड मेजर केस होता है, उसे पांच बॉन्ड में क्या होता है, जब भी फॉस्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा तो पांच बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड बनेगा और तीन सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये ध्यान देना, यानी फॉस्फोरस जब भी पांच बॉन्ड बनाएगा तो एक डबल होगा और तीन सिंगल होगा, ठीक है। हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, इस एग्जाम्पल पी एक्स फाइव, पी एक्स फाइव में क्या है, सारा सारा बॉन्ड सिंगल होता है, पांच बॉन्ड है लेकिन ऑल आर सिंगल, ऑल आर सिंगल, तो अगर हैलोजन रहेगा तो हैलोजन, पांचों हैलोजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लिंक होगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है, जनरली अगर आपके पास पांच बॉन्ड है तो पांच बॉन्ड में क्या होगा, पांच बॉन्ड में क्या होगा, एक डबल और तीन सिंगल होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब एक चीज और देखना बच्चों लोग, ये जो पांच, जो पी एस फाइव है उसमें एग्जाम आपके सामने एग्जाम्पल में लिया, और पी सी एल फाइव, तो पी सी एल फाइव गैस स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पांचों बॉन्ड सिंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको, अगर आपको बोला जाएगा कि पी सी एल फाइव अगर सॉलिड स्टेट में बात किया जाएगा, तो पी सी एल फाइव सॉलिड स्टेट में फिगर थोड़ा अलग होता है यार, पी सी एल फाइव का गैस स्टेट में क्या होगा, आपका फिगर क्या होगा, पांच सील को लिंक कर दोगे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बोला जाएगा कि पी सी एल फाइव का सॉलिड स्टेट में क्या होगा, तो इसमें एक कंपाउंड आयनिक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें दो आयन के फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पी सी एल फोर प्लस एंड पी सी एल सिक्स माइनस, यानी आपसे कहीं पूछा जाएगा कि पी सी एल फाइव सॉलिड स्टेट में कैसा कैसा होता है, तो बोलोगे वो बेसिकली पी सी एल फाइव एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ एक आयनिक कंपाउंड पी सी एल फोर प्लस एंड पी सी एल सिक्स माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं पाँच बॉन्ड का, तो पाँच बॉन्ड में क्या होगा, एक डबल होगा और तीन सिंगल बनाना है, तो जो डबल बॉन्ड बनेगा ना वो किसी के साथ भी नहीं बनेगा। अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड मान लेते हैं कि ऊपर ए ए एटम के साथ बना रहा है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड बनाता है, अगर मान लेते हैं कि एटम ए के साथ बना रहा है, तो जो एटम ए होगा ये कोई भी नहीं हो सकता है, एटम ए, ए के पास कंडीशन क्या बोला गया है, एटम ए पॉलीवेलेंट होना चाहिए, मतलब उसके पास मोर देन वन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लिए, अगर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड बना रहा है ए के साथ, अगर बना रहा है ए के साथ, तो उसमें क्या करना है, उसमें ए एटम कौन कौन हो सकता है, तो ए एटम पे कंडीशन दे रहे हैं कि ए एटम क्या होगा, पॉलीवेलेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा होना चाहिए, फॉस्फोरस से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब एग्जाम्पल पॉसिबल है। इसमें फ्लोरीन नहीं लिए हैं, फ्लोरीन इसमें हम नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए हैं,
क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, चलो फ्लोरीन होता मोनोवालेंट, यानी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए एफ को यहाँ पे हटा दिया गया है। एफ को नहीं लेने का रीजन समझ में आ रहा होगा कि एफ को नहीं क्यों लिए हैं, क्योंकि एफ मोनोवालेंट होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो सकता है, आपको लेना क्या है, जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो या तो ओ रहेगा, या तो एस रहेगा, तो एन रहेगा, तो सी रहेगा। तो जनरली क्या होता है, जनरली आपके पास ऑक्सीजन होता है, जनरली अगर देखा जाए तो होगा आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, आपके पास होगा ऑक्सीजन, तो ये आपके पास ये पहला मैक्सिमम केस में ही रहेगा, कभी कभी सल्फर आ जाएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन कुछ कुछ केसेस कभी कभी नाइट्रोजन आ सकता है, तो नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी होता है जी, तो नाइट्रोजन का तीन बॉन्ड चाहिए, एन को तीन बॉन्ड चाहिए ना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इस केस में क्या करना कि पी के साथ एन का बना डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बना सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा जो यहाँ दिखाया नहीं हुआ है, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि एन डबल बॉन्ड बनाएगा पी के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा किसी और एटम के साथ, यानी उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए वो सिंगल बॉन्ड एक और बनाएगा। ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन को तो दो दो बॉन्ड चाहिए, तो बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ ऑक्सीजन सल्फर को। बट नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस के साथ और सिंगल बॉन्ड किसी और के साथ बनाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन लोगे तो कार्बन में क्या होगा, कार्बन में डबल बॉन्ड बनाएगा विद फॉस्फोरस के साथ और सिंग, और चूंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है चार, इसको चार बॉन्ड बनाना है, तो दो बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस के साथ और बाकी दो बॉन्ड बनाएगा कहीं और। ठीक, तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपको, जब भी आपको डबल बॉन्ड बनाना होगा तो कौन सा आइटम इन्वॉल्व होगा वो समझ आना चाहिए आपको। यानी हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि जब भी फॉस्फोरस पांच बॉन्ड होगा तो मेजर केस क्या बोला गया है, तो मेजर केस बोला गया है कि एक सिंगल, एक तीन सिंगल, एक डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड किससे बनाना है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो पी डबल बॉन्ड अगर ए है, तो ए एटम क्या क्या होगा बता चुके हम लोग, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन कार्बन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और क्या रूल्स है आपके पास यार, और रूल्स आपके पास है, अगर आपके फिगर में अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, एच और ओ होगा, तो ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड। ये तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास अपने पास एच और ओ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम के साथ मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड को लिंक करते हैं, सेंट्रल एटम के साथ मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद हम सीख चुके हैं कि अगर आपका सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपका सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर +5 से ज़्यादा होगा, मतलब फॉस्फोरस का मैक्सिमम स्टेट कितना होता है जी, तो फॉस्फोरस का अपना मैक्सिमम स्टेट होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है, और पी कितना होता है +5 होता है, तो फॉस्फोरस का +5 होता है, तो उसको हम सोच के चल रहे हैं यहाँ पे। तो चूंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5 है, क्या है +5 है, तो अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 से ज़्यादा होगा तब क्या सोचेंगे, तो अगर +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और आपका सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, तो आप क्या करोगे, आप सिस्टम में परसाइड लिंक को बनाओगे, परसाइड बॉन्ड बनेगा, यानी आपका इस तरह का बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा। ये हम लोग सीख चुके हैं ना कि हर +2 एक्सेस पे, हर +2 एक्सेस पे, यानी जितना भी +5 से जितना भी +2 ज़्यादा होगा, हर +2 के लिए वन वन परसाइड लिंक बनेगा, वन परसाइड लिंक बनता है आपके पास। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये रहेगा अपना सा, ये अपना कुछ रूल्स रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि आपका फिगर जो होगा सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री एक नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, तो आपका फिगर क्या होगा सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो ये भी दिमाग में सेटल करना। तो ये आपका बेसिक कुछ रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग आप फिगर को बनाओगे। तो ध्यान देना, अगर इन रूल के बेसिस पे अगर बात कर रहे हैं तो इसका फिगर्स ऑलमोस्ट हम लोग बना चुके हैं यहाँ पर जितना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख, अच्छा आपसे अगर एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर अगर ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे आपको कभी कभी दो रूल में कंपेयर करना पड़ेगा किसको प्रायोरिटी दोगे। तो दो रूल का मतलब, अगर आपके पास ऑक्सीजन रहेगा, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें क्या करना है आपको, आप या तो डबल बॉन्ड ओ बनाओ या तो ओ एच बनाओ। ठीक है, ओ कहाँ पे जाता है, या तो देखो पी के साथ डबल बॉन्ड तो बनाना है ना, पी के साथ हमको डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अगर ओ रहेगा तो डबल बॉन्ड ओ बनाना चाहेगा, और एच रहेगा तो क्या होगा, ओ के साथ अगर एच भी रहेगा तो क्या होगा, ओ एच बनाना चाहता है, ओ एच बनाना चाहता है। तो पहला पहला काम करना है डबल बॉन्ड ओ बनाना, मतलब अगर फॉस्फोरस रहेगा एलिमेंट आपका सेंट्रल एटम और ओ रहेगा, तो आपका फर्स्ट काम होगा आप डबल बॉन्ड ओ बनाओगे, यानी ये पहला प्रायोरिटी दोगे, यानी आप एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड ओ में डाल देना, ये प्रायोरिटी लेगा हमेशा। यानी जब भी ओ रहेगा और फॉस्फोरस रहेगा,
आपका पहला काम होगा डल्बन ओ बना देना, उसके बाद कुछ करना करो लेकिन ए डल्बन ओ बना देना आप, ठीक है। क्योंकि जो पी डल्बन ओ फॉर्मेशन है ये हाईली फेवर्ड है, मतलब पी डल्बन ओ जो बॉन्ड होता है इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी इसके फॉर्मेशन से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, फेवर्ड होगा। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, फेवर्ड होगा। तो जब भी ऑक्सीजन रहेगा तो पहला काम क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड ओ बनाना है, उसके बाद कुछ और सोचना है, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले ओ एच मत फोकस करना, पहले डबल बॉन्ड ओ बना देना, एक डबल बॉन्ड ओ बनाना तय है, एक के बाद आप ओ एच बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ओ डबल बॉन्ड ओ में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसके बेसिस पे देखते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे। अब चलो कुछ फिगर ट्राई करते हैं, तो जो फिगर हम पहले नहीं बताया था वो फिगर अभी बता दे रहे हैं। जैसे H3PO2 पहले आपको नहीं बना दिए थे क्योंकि ये रूल उस समय हम रूल को कवर नहीं किए थे। अब देखते हैं इस फिगर को बना के हम लोग। तो यार इसमें P है, तो P और O है, तो पहला काम क्या करो, पहला काम करो डबल बॉन्ड O बनाओगे। तो देखो डबल बॉन्ड O पहला बनाया गया, यानी फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड O पहला बना दिया, तो आपका एक ऑक्सीजन चला गया डबल बॉन्ड O बनाने में। अब बचा कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और तीन हाइड्रोजन है, तो कितना OH बनेगा, तो एक OH पॉसिबल है, तो एक OH बना दिया, एक OH बन गया। और बचा कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे H और H को लिंक कर देंगे, यहाँ पे H और H को लिंक कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा H3PO2। H3PO3 का बात कर रहे हैं हम लोग, H3PO3 में क्या करोगे, पहला डबल बॉन्ड O बनाओगे, फिर क्या करोगे, अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन बचा हुआ है, दो ऑक्सीजन बचा हुआ है और तीन हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या होगा, कितना OH मैक्सिमम बन सकता है, तो मैक्सिमम बन सकता है तो OH, दो OH अभी भी बन सकता है, तो दो OH आप बना सकते हो, दो OH आप बना सकते हैं, ठीक। और एक हाइड्रोजन बचा हुआ, तो एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है उसको प्लेस कर दो, उसको आप प्लेस कर सकते हो, ठीक। ये हो जाएगा H3PO3। बाकी यार H3PO4 तो बना चुके हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें एक डबल बॉन्ड बना दिए और तीन H और तीन ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, तीन OH बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा H3PO4 का। H3PO5 में क्या हो सकता है, यार इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पी का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगा। तो हम लोग क्या सीख गए थे कि +7 है मतलब +5 से ज़्यादा हो चुका है, इसमें प्रेशर लिंकेज होगा, इसको हम बनाना सिखा चुके हैं लास्ट क्लास में, तो वही फिगर यहाँ बना हुआ है। H3PO6 में +9 है, यानी +5 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है, मतलब इसमें कितना +2, दो बार +2 एक्स्ट्रा आएगा, यानी +5 में दो बार +2 ऐड करेंगे तो आपको +9 आएगा, इसका मतलब इसमें दो प्रेशर लिंकेज होगा। H3PO7 में कितना और +11 हो रहा है, तो इसमें कितना बार +2 रिपीट कर रहा है, तो +5 में तीन बार +2 ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, इसका मतलब इसमें 3% लिंकेज होगा, इसमें 3% लिंकेज होगा, ठीक है। ये सोच के जो है ना आपको, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पर बस इसमें दो फिगर एक्स्ट्रा आपको कवर करना था मेरे को, मैं आपको समझा दिया। ये दो फिगर पहले कभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो इन फिगर का लॉजिक यही रहेगा कि ऑक्सीजन अगर आपके पास होगा तो पहला काम क्या करना, पी डबल बॉन्ड ओ बनाना, फर्स्ट काम वही काम करना आपको, ठीक। अब चलो तो आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं केसेस का, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आपके पास जो फॉस्फोरस है ना, यानी सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, उसका नंबर 2 या 2 से ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा फिगर आप देखोगे जहाँ पे सेंट्रल एटम का जो नंबर है उसका नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, यानी नंबर ऑफ फॉस्फोरस अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो क्या काम करोगे, ठीक है। अगर फॉस्फोरस का नंबर 2 से या 2 से ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेट मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एक्स मानते आप निकालते हो। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगा, ठीक है, इसमें तीन केस पॉसिबल है ना, आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो जो आपका जो इस केस में जो मैथमेटिकली आप निकालने वाले हो उसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5 के बराबर होगा, या तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या होगा +5 से ज्यादा हो सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटी अपने पास है। तो अगर अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगा उस केस में क्या करना, पी और पी को बना देना, यानी ऊपर जो हम रूल सीखे हैं पहले वाला रूल सारा अप्लाई करेंगे, यानी वो सारा रूल तो वैलिड होगा। साथ में इसमें एक्स्ट्रा क्या काम करना आपको, एक्स्ट्रा क्या काम करना आपको कि पी और पी को लिंक कर देना, पी और पी लिंक हो जाएगा, दो दो फॉस्फोरस होगा, दो या दो ज्यादा होगा तो पी और पी आपस में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, कब, जब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगा उस केस में, ठीक है। और बाकी जो रूल पढ़े हैं वो सब होगा, मतलब हर फॉस्फोरस में अगर ऑक्सीजन होगा
डबल बॉन्ड ओ बनेगा। सारा फॉस्फोरस का कितना बॉन्ड बनता है, पांच बॉन्ड बनता है। अगर एच और ओ होगा तो उसमें ओ एच बनाएंगे, फिगर सिमेट्रिकल होगा। यानी जो हम लोग पहले रूल सीखे हैं वो सारा अप्लाई करना करना है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या काम करने बोले हैं कि इसमें पी और पी में क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इसके बाद बाकी रूल अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप बाकी रूल को अप्लाई करोगे। ठीक, ये हो जाएगा कब, जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस फाइव से कम होगा, उस केस में आपको ये काम करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं चलो कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस फाइव के बराबर होगा तो क्या काम करना है, यानी जब प्लस फाइव के बराबर आएगा तो क्या करेंगे, उस केस में क्या होता है, दो फॉस्फोरस के बीच में आप ए एटम को लगा देना है। ए एटम, यहाँ पे ए एटम क्या है, यहाँ पे जो ए एटम है वो है बेसिकली यार जो अभी सीखे थे हम लोग ना, ये हम लोग क्या सीखे थे ऊपर में, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन कार्बन, ये तो सीखे थे ना कि ये ऐसा होता है, उसी ए का यहाँ पे बात किया जा रहा है। जो ये ऊपर सीखे हैं वही यहाँ पे है, तो ए क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन होगा तो पी ओ पी बन जाएगा। अगर सल्फर होगा तो क्या बनेगा, पी एस पी बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन का चूंकि तीन बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन कैसे लिंक होगा, नाइट्रोजन को अगर बीच में तो वो डालना है तो एक फॉस्फोरस के साथ बनाना डबल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन आपके पास होगा उसके स्केप क्या होगा कि अगर आपको नाइट्रोजन को बीच में डालना है तो नाइट्रोजन चूंकि तीन बॉन्ड बनाता है ना, तो एक के साथ बनाना डबल बॉन्ड और एक के साथ बनाना सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन बीच में इस तरीके से आएगा। तो जब भी नाइट्रोजन रहेगा तो उस केस में नाइट्रोजन इस तरीके से इन करना। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर में सिंगल बॉन्ड से लिंक हो जाएगा बीच में, और नाइट्रोजन आएगा तो एक डबल एक सिंगल के साथ लिंक होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कब, जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव यानी प्लस फाइव के बराबर होगा तो करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस फाइव से ज्यादा होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव से ज्यादा होगा तो क्या काम करेंगे, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव से ज्यादा होगा यानी उसके मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है फॉस्फोरस का, प्लस फाइव, उससे ज्यादा होने का मतलब क्या है कि बीच में क्या बनेगा, परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, यानी पी और पी के बीच में आपका ओ का लिंक हो जाएगा, पी ओ ओ पी बनेगा, यानी इन दोनों पी के बीच में एक परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा, एक परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा। ये आपको सेट करना है, ये आपको सेट करना है। ठीक, तो इतना वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ए रूल एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम, ए रूल हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान देना, इसके अलावा अगर मान लेते हैं तो ऊपर का जो रूल पढ़े किसने पढ़े हम लोग, कि जब फॉस्फोरस का नंबर दो होगा या दो से ज्यादा होगा उस केस में ये सारा काम करना है, ये सारा काम करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो रूल हम लोग ऊपर पढ़े थे उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम बोल रहे हैं, यानी ये सब काम भी और करेंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि अगर फॉस्फोरस नंबर दो से ज्यादा होगा, मतलब दो यानी तीन चार पांच होगा, यानी दो नहीं तीन चार पांच का हम बात कर रहे हैं, पांच छह, यानी अगर फॉस्फोरस नंबर दो से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो दो से ज्यादा वाला तो एक्स्ट्रा रूल बस ऐड कर रहा हूँ, मतलब जब भी फॉस्फोरस नंबर दो से ज्यादा होगा तो बाकी जो ऊपर सीखे रूल वो सारा अप्लाई करना करना, प्लस एक एक्स्ट्रा रूल भी अप्लाई करना है कि आपका फिगर साइक्लिक होगा, आपका फिगर क्या होगा, क्लोज रिंग बनेगा, साइक्लिक मतलब क्लोज रिंग बनेगा, यानी इन रिंग एक क्लोज साइकिल बनेगा, यानी रिंग बनेगा आपके पास। ठीक है, एक कब सोचेंगे, जब पी का नंबर दो से ज्यादा होगा तो। ठीक है, लेकिन इस रूल से पहले जो भी ऊपर रूल बना है वो सारा वैलिड होगा, मतलब उसको अप्लाई करते करते इसको सॉल्व करना है, तो मतलब सबसे पहले टॉप में जो रूल हम सीखे तो वो तो अब वैलिड होगा। तो पहला रूल हम लोग क्या सीखे हैं चलो, कि इस पेज पे हम सीखे थे कि दो, मतलब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स आपके पास मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग फर्दर रूल क्या सीखे थे कि अगर फॉस्फोरस का अगर सेंट्रल टर्म का नंबर दो होगा या दो से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बताया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस फाइव से कम होगा यानी उसके मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तो पी और पी को लिंक कर देंगे, पी और पी को लिंक कर देंगे। ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस फाइव के बराबर होगा तो बीच में एक एलिमेंट ए आएगा, और ए क्या होगा, ऑक्सीजन सल्फर या नाइट्रोजन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन सल्फर में सिंगल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन में आएगा तो एक में डबल बॉन्ड एक में सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे हम लोग। ठीक, और अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो बीच में एक पैरासाइड लिंकेज आएगा, पी और पी के बीच में क्या आएगा, पैरासाइड लिंकेज आएगा, पी ओ पी आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर सेकंड जो हमको फॉलो करना था। रूल नंबर थर्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या किया हम लोग, कि अगर पी का नंबर दो से ज्यादा हो जाएगा तब क्या करना, तो ये सारा काम तो करेंगे करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्या सोचेंगे कि आपका फिगर क्या होगा, साइक्लिक होगा, आपका फिगर क्या होगा, चलो साइक्लिक होगा, यानी साइक्लिक मतलब क्लोज रिंग आपको बनाना है, आपको क्लोज
क्लोज लूप बनाना है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा सा। क्या देखो, पहला क्वेश्चन तो बना चुके हम लोग, H3PO2 तो हम लोग बना चुके हैं ना, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, कौन सा, H3PO2 वाला। ठीक, आप H3PO2 का फिगर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। इवन HCPO4 भी हो चुका है, HCPO3 भी हो चुका है, HCPO5 भी हो चुका है। यानी बेसिकली सारा क्वेश्चन को एक जगह लिखने के लिए उसको दोबारा लिखा गया है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन हम लोग पीछे हम लोग कवर कर लिए हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 हम थोड़ा ध्यान दोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, H4P2O6 है। क्या है, H4P2O6। ठीक, H4P2O6 का अगर बात करें बच्चों लोग, तो उसमें फॉस्फोरस नंबर क्या है, दो है। क्या है, दो है। तो दो होने में पहला काम क्या करने बोला गया आपको, तो दो होने में पहला काम ये बोला गया है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखोगे चूंकि फॉस्फोरस नंबर क्या है अपने पास, दो है, तो पहला क्या काम करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आप एक्स मान लो, आप एक्स मान लो ना, तो इसका एक्स मान लेते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, और ऑक्सीजन का क्या, तो -2 होता है। और पी का हम एक्स मान लिए, तो क्या होगा, 4 + 2x - 12 = 0। 4 + 2x - 12 = 0। तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इस साइड में कितना होगा, चलो 8 होगा, सॉरी 8 / 2, यानी क्या होगा, ये +4 हो जाएगा। तो देखोगे इस प्रोसेस में, इस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, +4 निकल कर गया। ठीक, तो +4 का वैल्यू क्या है, ये 5 से कम है, ये क्या है, 5 से कम है, तो ये 5 से कम आ रहा है। तो 5 से जब कम आता है, तो हम लोग क्या सीखे थे कि पी और पी को लिंक कर दो, पी और पी को लिंक कर देना है। क्या करना है आपको, पी और पी को लिंक कर देना है। यानी इस H4P2O7 में +5 से कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा, पी और पी लिंक हो जाएगा। तो पी और पी लिंक कर दिए, तो ये पहला स्टेप हो गया अपना। अब चूंकि ऑक्सीजन है, चूंकि ऑक्सीजन आपके पास है, तो हम लोग और क्या सीखते हैं कि ऑक्सीजन को लिंक कर दो, ऑक्सीजन को लिंक कर दो। तो लिंक कर दोगे तो पहले डबल बॉन्ड O बनाते हैं, तो दोनों डबल बॉन्ड O बना दो, ये बना दिए। ठीक है, तो रूल सीखे उसी को फॉलो करते जाना है। तो पी और पी लिंक कर दिए, अब चूंकि ऑक्सीजन रहेगा तो डबल बॉन्ड O बनाना हमको कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी, तो उसको बना दिए, तो डबल बॉन्ड O बन गया अपने पास। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस में कितना ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर लिए, तो 6 ऑक्सीजन आपके पास था, 6 में से 2 खत्म हो गया, 6 में से 2 ओवर हो चुका है, तो 2 को हटा दो, तो बचा कितना ऑक्सीजन आपके पास, 4 ऑक्सीजन बचा, 4 ऑक्सीजन आपके पास बचा हुआ है। और आपके पास हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन भी 4 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, इसमें OH कितना बनेगा, तो 4 OH बन सकता है, 4 OH बन सकता है, 4 OH बनेगा। तो क्या करना, आपके फिगर में सिमेट्री भी चाहिए, और दोनों फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड पूरा करना है, तो 2 OH इधर और 2 OH इधर ऐड कर देना। ठीक है, दोनों में 2 2 OH जोड़ देंगे, तो ये आपका फिगर पूरा हो गया, किसका, H4P2O6 का। ठीक है, वाला पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो गया आपका H4P2O6 का। यहाँ देखो H4P2O2 का बोला गया फिगर बनाने के, तो H4P2O2 कैसे बनेगा, तो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगा। आप एक्स मानना, एक्स मान कर निकाल, आपका आंसर देखो 0 आएगा। जैसे आप देखो इसका एक्स मान, तो क्या होगा, 4 + 2x - 4 = 0। ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना रहा है, तो एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 0 का वैल्यू क्या, +5 से कम है, इसका मतलब क्या, पी और पी को लिंक कर देंगे, पी और पी को लिंक कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, चूंकि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रहते हैं हम लोग कैसे क्या है कि पहला काम होता है डबल बॉन्ड O बनाना, तो डबल बॉन्ड O बना दिए। अब आपके पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो क्या काम करोगे आप लोग, तो 4 हाइड्रोजन को लिंक कर दो एक बॉन्ड से, तो आपका फिगर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। अब ध्यान देना H4P2O8 है, बोले सब फिगर कैसे बनेगा, तो पहला काम क्या सीखे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो क्या हो जाएगा, H4P2O8, तो इसमें ध्यान देना आप एक्स मान, तो क्या हो जाएगा, 4 + 2x - 16। यहाँ पे एक्स 2x के वैल्यू क्या होगा, 12 हो जाएगा, एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, +6 क्या हो जाएगा, +6। यहाँ पे +6 आ रहा है, और +6 का वैल्यू क्या है, ये +5 से
ज़्यादा होता है। तो प्लस सिक्स का वैल्यू प्लस सिक्स से प्लस फाइव से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, दो पी के बीच में क्या होगा, परसाइड लिंकेज होगा, पावर ऑक्साइड लिंकेज होगा, तो ये बना देंगे। तो बीच में आपका परसाइड लिंकेज बन चुका है, अब बाकी काम वही करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है तो डबल ओ बनाना कंपलसरी है, तो बना दिए डबल ओ। इस प्रोसेस में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, चार ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, तो बचा कितना ऑक्सीजन, तो बचा चार, बचा तो आठ ऑक्सीजन में से चार खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो बचा आपके पास चार ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन आपके पास है, तो कितना ओएच बनेगा आपके पास, चार ओएच बन सकता है, तो चार ओएच बनाएंगे, दो ओएच यहाँ पे और दो ओएच इधर। तो मतलब देखो, रूल को फॉलो करते तो फिगर अपने आप बनते चला जाएगा, आपको सोचना नहीं है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है शायद, तो उसमें लिख रहा हूँ H4P2O7 मान लेते हैं, H4P2O7 है। तो रूल क्या बोलता है, जब भी दो फॉस्फोरस होगा या उससे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, चलो तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन को एक्स मान लें, तो क्या होगा, 4 + 2x - 14 = 0। यहाँ पर 2x = कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, +5। तो +5 यानी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, या +5 के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, पी और पी के बीच में क्या आएगा, ओ आएगा, यहाँ पे पी और पी के बीच में क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। चूंकि ऑक्सीजन है, जब भी +5 के बराबर होता है तो क्या सीखे थे, ओ लाना है, बाकी हम लोग क्या करें, डबल बॉन्ड ओ बनाना तो तय है ना, तो डबल बॉन्ड ओ बना लेंगे, तो डबल बॉन्ड ओ बना लिया वो। तो इस प्रोसेस में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बचा आपके पास है और 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या होगा, 4 OH बनेगा, 2 OH यहाँ पे और 2 OH इधर, ठीक है। इस तरीके से आप H4P2O7 बना सकते हो, ठीक।